हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद स्काई। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है गोवा का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जिनके नाम पे है वो है लेट श्री मनोहर पर्रिकर जी, जो भारत के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे और गोवा के सीएम थे। उन्होंने ये एयरपोर्ट का निर्माण किया है। तो ये एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर है, एकदम आप देख सकते हैं, एक नया ही उसको एक चेहरा दिया गया है। यह है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, डिपार्चर टर्मिनल है। और यहाँ पे जो डिज़ाइंस है वो काफ़ी सुंदर है, गार्डन वगैरह मेरे पीछे देख सकते हो। ये जो है, अभी यहाँ से आप एंट्री करते हो, सामने ये डिपार्चर्स गेट है और ये पूरा गार्डन है यहाँ के सामने। और यहाँ पे मतलब अगर आप पणजी से आते हो या आप मतलब इससे आते हो, पणजी जो यहाँ की मेन सिटी है, पणजी उसके बाद म्हापसा है और मडगांव है, ये तीन सिटी है। तो तीनों सिटी से यहाँ पे डायरेक्ट बस भी है जो शटल सर्विस है। अगर आप बस से आते हो तो आप पकड़ लीजिए कि मडगांव से कुछ 400 to 500 टिकट है, पणजी से कुछ 300 to 200 है और म्हापसा से 150 rupees का टिकट है। ये डिपार्चर्स टर्मिनल है और बहुत ही सुंदर बनाया है। अभी ये फर्स्ट फेज है, इसका काम चालू है, अभी धीरे धीरे ये बढ़ेगा। और आपको अगर मतलब नॉर्थ गोवा जाना है तो तब जहाँ पे आपको बीच एंजॉय करना है तो ये दिस इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे लिखा है, इसका जो कोड है GOX, नॉर्थ गोवा एयरपोर्ट का जो कोड है वो यहाँ पे लिखा है, ये देखिए बहुत ही सुंदर है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका मैं आपको पूरा डिटेल में आपको ये वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूँगा। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये यहाँ से डिपार्चर है और वहाँ से जो है आपको अगर राइट साइड में दिखेगा तो वो सामने है, वो अराइवल टर्मिनल्स है। बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट का डिज़ाइन है, आप देख सकते हो। और इसमें मतलब ओवरऑल इन्होंने गोवा का नेचर जो है उसको यहाँ पर शो किया है, बहुत ही सुंदर है। तो सामने अगर आप देख सकते हो, ये ATC टावर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। तो चलो अभी अंदर चलते हैं और मैं आपको डिटेल में शेयर करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये गोवा एयरपोर्ट का एक मॉडल यहाँ पे तैयार किया गया है। एक ये है और दूसरा यहाँ पे एक है, यहाँ पे रनवे है। ये लेफ्ट साइड में जेंट्स के लिए वॉशरूम है, ये राइट साइड में लेडीज़ के लिए वॉशरूम है। यहाँ पे सामने जो है वो इंडिगो के बैकड्रॉप है, वो साइड में विस्टारा का बैकड्रॉप है। और यहाँ से आप अगर आप चाहते हो, यहाँ पे ये लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए सिक्योरिटी चेकिंग। और ये ओवरऑल यहाँ पे जो एंट्री गेट्स है वो है, यहाँ पे अब सेल्फ चेक इन के लिए यहाँ पे ये सेंटर है, ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स है। आप देख सकते हो ओवरऑल बहुत ही सुंदर बनाया है। अभी तो ये फर्स्ट फेज है लेकिन एयरपोर्ट का डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे सामने इंडिगो का बैगेज है और उसके पीछे जो है वो विस्टारा का है, मतलब बैग चेकिंग काउंटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आकाशा एयर और विस्टारा का चेक इन बैगेज काउंटर है। यहाँ पे एक रिजर्व लॉन्ज है जो कि VIPs के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हो सुंदर। और यहाँ पे जो है जिसका कनेक्टिंग फ्लाइट है उसके लिए यहाँ से एंट्री है। तो फ्रेंड्स, ये है सिक्योरिटी चेकिंग का एरिया। वैसे आप स्टेयर से ऊपर आते हो तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग है और यहाँ पे फिर बहुत सारे शॉपिंग आउटलेट्स है। अभी मैं जाऊंगा, अभी टाइम है बहुत, तो मैं शायद अभी लॉन्च में जाऊंगा, देखता हूँ, आपको लॉन्च भी एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे है ये ऑल गेट्स, लॉन्च, टॉयलेट्स सब यहाँ पे। और ये यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं, काफ़ी सुंदर बना है एयरपोर्ट। ऑफर जीरो, स्टारबक्स वन ऑफ द फेवरेट कॉफी शॉप।
बहुत सारे अच्छे अच्छे आउटलेट्स है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे सामने जो है वो इनकम लॉन्ज है। तो अभी आप देख रहे हो सामने जो लॉन्ज है वहाँ पे जाएंगे और देखते हैं कि हमारा अगर क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है तो वहाँ पे थोड़ा कॉफ़ी वगैरह लेंगे। फ्रेंड्स आप मेरे सामने एक देख सकते हो, यहाँ पे मेरे सामने विस्टारा का ही फ्लाइट है जो अभी दिल्ली के लिए जा रहा है। बोर्डिंग कंप्लीट है, फ्लाइट विल टेक ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पुर्तगीज स्टाइल गोवा थीम का पूरा एयरपोर्ट बना है। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। ये सामने जो है ये यहाँ पे इंटरनेशनल बोर्डिंग के गेट्स है। विस्टारा फ्लाइट फॉर दिल्ली इज नाउ रेडी फॉर टेक ऑफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं रनवे की तरफ जा रहा है। फ्रेंड्स मेरा चेक इन हो गया है। एक्चुअली मेरा लक अच्छा है तो मुझे यही बार भी विंडो सीट मिला है और मैं लॉन्च एक्सेस नहीं कर पाया क्योंकि मेरा जो क्रेडिट कार्ड था वो वहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो अभी तो मैं थोड़ा देर रेस्ट करूँगा, फिर 9:40 जो है वो तब मेरा बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इनसाइड फ्लाइट जो है विस्टारा का, ये जो फुल सर्विस कैरियर है तो उसमें अंदर फूड कैसा है और ऑन टाइम परफॉर्मेंस सब चेक करेंगे। मैं थोड़ी देर के बाद आपको वापस मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो अपना बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है गेट नंबर 9। यहाँ पे लगभग आई थिंक 23 गेट्स है। यहाँ पे अपना गेट नंबर 9 है, यहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो चलो अभी जाते हैं फ्लाइट में। अरे बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट, अभी फ्लाइट में जाके देखते हैं ओवरऑल कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, फूड का क्वालिटी चेक करेंगे, सब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। लेकिन अगर आप आ रहे हो गोवा तो प्लीज़ ट्रैवल टू नॉर्थ गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट इज़ एक्चुअली रियली ब्यूटीफुल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। सो फ्रेंड्स आई हैव बोर्डेड द फ्लाइट टिल नाउ, सो द ओवरऑल एक्सपीरियंस इज रियली गुड। आई गॉट एक्चुअली द आई गिव विंडो सीट टू समवन हु इज रियली एंजॉयिंग एंड हु इज रियली वांट द विंडो सीट। सो नाउ आई एम इन द मिडल सीट, फूड हैज स्टार्टेड, नाउ let's check what about the food quality. Till now the overall experience is really good. Friend, this is what I get in my meal. This is actually masala lemon water. We are finally reached at Mumbai International Airport Terminal 2, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport। और हमारा लगेज बेल्ट नंबर 2 पे आया था, कुछ उस लोगों का लगेज बेल्ट नंबर 1 पे भी आया है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छा था, मैं ज़्यादा फ्लाइट में शूट नहीं कर पाया क्योंकि शॉर्ट फ्लाइट था, ओनली 45 मिनट्स का जर्नी था। तो ओवरऑल फ्लाइट एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड एज आई लाइक विस्टारा एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अभी बहुत दिनों के बाद मैं एक्चुअली आपसे मिला हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़े थोड़े दिनों के बाद आपसे मिलता रहूँगा। तो अभी जो बीच में गैप हो गया था वो नहीं रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जो वीडियो आपको दिखाया है वो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।